फ्रेंड्स, केम छो? मजा मचो? मजे में ही रहने चाहिए। मैं इस आप सब लोग ठीक तो है ना? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की फिक्र है। फ्रेंड्स, ये क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं लव के लिए, धोखा ना पाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, काली नज़र से बचने के लिए। आपको एक्टिवेट और चार्ज करा के अगर लेना है तो वो मुझे बोल सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स भी आप कर सकते हैं बेसिक, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक के उपाय, काले जादू के उपाय भी मैं बताती हूँ। पर्सनल रीडिंग करवाइए, बुकिंग करवाइए, बहुत लोग करवा रहे हैं, बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है, मन शांत हो रहा है। अशांत जो मन था ना, वो शांत हो रहा है। पर्सनल हीलिंग और पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ। और जो लोग नए आए हैं, कृपा करके लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। फ्री होता है ये। और जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पुराने वीडियोज़ भी देखा कीजिए और स्किप मत किया कीजिए, वरना कोई पॉइंट रह जाएगा आप लोगों से। तो आज की रीडिंग क्या है? आज की रीडिंग ये है कि आज सुबह आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या थी, आपके पर्सन आज सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे आखिर वो। तो देखते हैं। ये मैंने नया डेक लिया है, मॉडर्न विच टैरो, इससे निकालेंगे आज। काफ़ी अच्छा डेक लग रहा है, ठीक है। वाओ, कितना सुंदर कार्ड है। चलिए शफल करते हैं। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। एक कार्ड उधर चला गया, ज़रा मैं ले लूँ। आप लोग ज़रा पॉजिटिव रहिए और स्टे कूल एंड काम। ओके, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं, मोटे। बताइए यूनिवर्स के मेरे पर्सन के जो मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, वो आज सुबह क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइए। चलिए प्लीज टेल मी, प्लीज गाइड मी। वाओ, द मजिशियन। ऐसे सही है ना? मजिशियन कितना सुंदर कार्ड है, देखिए तो सही। फ्रेंड्स, ऐसे शफल कर लेती हूँ। बताइए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज सुबह। जासूसी, बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी सुबह, क्या सोच रहे थे। वाओ, मैरिज, अच्छे कार्ड से निकल रहे हैं फ्रेंड्स। फोर ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मजिशियन। ओके, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स। बताइए, नाइन ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में सुबह, क्या सोच रहे थे। आइए, वाओ, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, एस ऑफ कप्स। बताइए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स को, बताइए कि आज सुबह क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर, क्या एनर्जी थी आज की। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, शफलिंग में दिक्कत हो रही है मुझे इन कार्ड से। थ्री ऑफ पेंटिकल्स,
अब तो फ्रेंड्स आपको कार्ड्स दिखते होंगे ना अच्छी तरह, ये सब आपके लिए करती हूँ मैं कि आपको कैसे कार्ड्स दिखें, कैसे सब कुछ हो, कैसे आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबा दीजिए जो लोग नए हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, वाओ, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स। आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सुबह क्या सोच रहे थे उनके बारे में, नाइन ऑफ वैंड्स, बॉटम में नाइन ऑफ वैंड्स। तो साइन और राशियां बता देती हूँ मैं आप लोगों को, जब तक मैं बताऊँ लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबा दीजिए जो लोग नए आए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे मोटिवेट करने के लिए, और पर्सनल रीडिंग की बुकिंग भी कराइए। पेंटिकल्स आया है, पेंटिकल्स का आया है अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। स्वॉर्ड्स आया है, स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। वैंड्स का भी कार्ड आया है, फायर साइन एरीज सजिटेरियस लियो। कप्स का भी कार्ड आए हैं, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो मैं बताना चाहती हूँ अर्थ साइन एयर साइन फायर साइन वाटर साइन सारे साइन आए हैं और लगभग सारी ही राशियाँ आई हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज सजिटेरियस लियो एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ओके, ठीक है, तो रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। मैजिशियन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है नाइन ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके जो पर्सन हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके एक्सेप्टेंस का। आप उनको, उनके प्यार को अब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या रिजेक्ट कर देंगे प्यार के प्याले को इनके, तो वो यही सोचों में लगे हुए हैं, सोचे ही जा रहे हैं कि प्यार का प्याला दूं कि ना दूं, मतलब मेरे व्यूअर्स को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, क्या करूं क्या ना करूं। बड़ी ही कंफ्यूजिंग स्थिति से हैं ये, बहुत बोझ लग रहा है इनको इस बात से। इसके नीचे कार्ड आया है, बहुत ही बोझ लग रहा है, बहुत ज़्यादा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप चुपचाप शांत रहने वाली एक महिला हैं, बहुत अच्छी महिला हैं, वो ये सोच रहे हैं, चुपचाप रहती हैं, कुछ गलत नहीं कहती हैं, लड़ाई भी नहीं लड़ती हैं, लेकिन पता नहीं मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। बोझ बहुत है दिल पे कि पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी। ये व्यूअर्स हैं ये मेरे, और साथ में ये हाई प्रीस्टेस तो होगी ना, थर्ड पार्टी का तो आना ही आना है। जो छुपी रुस्तम है ये भी सोचती रहती है क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कार्ड्स अच्छे लग रहे हैं। आपके पर्सन इस बात से रुक गए हैं, रुके हुए हैं, पेंटिकल्स को लेके बैठे हुए हैं ना, पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं, और आप एक्सेप्ट करेंगे इनका प्यार के रिजेक्ट करेंगे, वो यही सोचों में डूबे हुए हैं, और आपको सोशल मीडिया पे आपको देखते रहते हैं। आपका डीपी कैसी लग रही है आप फ्रेंड्स, डीपी अच्छा लगाया कीजिए, खुश वाला और सुंदरता वाला डीपी लगाया कीजिए, या कोई सेलिब्रेशन वाला लगाया कीजिए, तो ये और ज़्यादा आकर्षित होंगे आपसे, और ये आपकी डीपी देखते रहते हैं आप कितने टाइम तक ऑनलाइन हैं, कैसी लग रही हैं, क्या कर रही हैं सोशल मीडिया पे, कितनी एक्टिवेट हैं, ये आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। नाइन ऑफ कप्स आया है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, मतलब हर इच्छा पूरी करने वाली थी ही आप और अभी भी हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है आपके लिए, ये सोच रहे हैं कितना मेरी विश फुलफिलमेंट थी ये,
मैं इसको छोड़ के चला गया। रिग्रेट भी होता ही है, शादी के बारे में सोच रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, और जिनकी हो गई है वो सोच रहे हैं अपनी शादी को दोबारा से बरकरार रखने के लिए क्या करूं क्या ना करूं, सोचते ही रहते हैं, जबकि इनके पास सारे शक्तियां हैं। मैजिशियन का कार्ड है, सारी शक्तियां हैं, कप्स की, पेंटिकल्स की, वैंड्स की, स्वॉर्ड्स की, हर तरह से ये प्रभावित करने वाले शख्सियत हैं। इनके पास हर चीज़ है, पैसा, धेला, शांति, प्यार, सब कुछ है इनके पास। ये फिर भी ये जो इन्होंने चीटिंग करी है आपके साथ, वो ये सोचते रहते हैं कि मैंने तो चीटिंग कर ली है, अब मैं क्या करूं, मैंने बहुत चीटिंग करी है मेरे पार्टनर के साथ, यानी कि मेरे व्यूअर्स के साथ। उस एक प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहते हैं कि मैंने बहुत चीटिंग करी, मैं जाऊं ना जाऊं अपने पार्टनर के पास, मतलब मेरे व्यूअर्स के पास वापस जाएं कि ना जाएं। ये एक प्रॉब्लम, इनको सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने सॉल्व कर ली, बस ये एक ही प्रॉब्लम है, अपना प्यार आपको दें कि ना दें, एक्सेप्टेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपसे। तो ये एक इसी उलझन में रखे हुए हैं, सोचते रहते हैं, और काम के बारे में भी सोचते रहते हैं, काम में मन नहीं लग रहा है इनका, पेंटिकल्स कमाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इनका, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट में थे, ऑन एंड ऑफ करते थे, अब ये बिल्कुल आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, दोबारा से फ्रेश स्टार्ट देख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, शादी करना चाहते हैं। नौ प्यार के प्याले भरे हुए हैं इनके मन में आपके लिए। मैजिशियन ये हैं, बस वही धोखा जो इन्होंने दिया था थर्ड पार्टी के पास जाकर, उसके बारे में सोचते रहते हैं, थोड़ा सा ओवरथिंकिंग चल रही है इनकी, बस उसी को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते रहते हैं कि आप पता नहीं प्यार एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। तो चलिए अब गॉड गाइडेंस ले लेते हैं मूनोलॉजी कार्ड से आपके लिए। ओके, आपको ये कार्ड का डेक कैसा लगा बताइएगा। मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं गॉड गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, बताइए क्या मोनोलॉजी से गाइडेंस मिल रही है हमें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए वो आ तो रहे हैं, सोच तो रहे हैं आपके पास आने की, अपना धोखा जो उन्होंने किया था वो भी सोच रहे हैं कि इतना धोखा किया था, जाऊं ना जाऊं, प्यार दूं या ना दूं, तो वो आएंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है यही एक बड़ा चेंज हो कि वो वापस आ रहे हैं आपके पार्टनर अपने प्यार का प्याला लेकर। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने जो इन्होंने किया आपके पर्सन ने, धोखा दिया, थर्ड पार्टी के पास चले गए, आपके प्यार को ठुकराया, आपके सच्चे प्यार को ठुकराया, आपको भला बुरा कह के, गालियां दे के, मार पीट के चले गए, किसी तरह पीछा छुड़ाया इन्होंने आपसे, लेकिन आप ये मत सोचिएगा, ये सारी बातें मत सोचिएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा इन्होंने क्या किया। आप अपने पास्ट को पीछे छोड़िए, और वो जब लोग वापस आएंगे तो आप पावरफुल चेंज देखेंगे, तो वो पुराने किस्से छोड़ दीजिएगा, पुरानी बातें सब छोड़ दीजिएगा, आप प्रेजेंट में जिएगा, और वो अगर आपको प्यार का प्याला दें, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी प्यार का प्याला ले लें, सेकंड चांस दें उन्हें, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, आपको अपना पास्ट को पीछे छोड़ के जो उन्होंने धोखा दिया आप उन्हें एक्सेप्ट करें ना करें, बाकी पास्ट को पीछे छोड़ने को कहा गया है आपको गाइडेंस में। और देख लेते हैं You and your loved ones are safe. आपके आप और आपके अपने सब सेफ हैं, ठीक है। दो निकल आए हैं, वाओ। The energy is going, gaining momentum. बहुत एनर्जी आप में आ गई है, मोमेंटम आ रहा है, इस एनर्जी जो ज़्यादा मिल रही है आपको, आपको जो ज़्यादा एनर्जी मिल रही है उससे आप कुछ ना कुछ मोमेंटम बनाएंगे, कुछ मोमेंट्स बनाएंगे,
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करना चाहिए? आपको यही रिलीज करना चाहिए कि अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए और आपके पर्सन जब आपके पास आए तो उन्हें सेकंड चांस दे देना चाहिए। आपकी एनर्जी भी बहुत हाई है, आप बहुत एनर्जी गेन कर रहे हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, देखिए जब वो आएंगे तो आपको एडजस्टमेंट्स तो करनी ही पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। और लव मैसेजेस अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं वो भी निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए, एक मिनट। ये लव मैसेजेस हैं, इसमें से मैं आपके लिए मैसेजेस निकालती हूँ। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, क्या कहना चाहते हैं इनके पर्सन इन लोगों से, बताइए कुछ तो, बताइए कुछ तो, राह दिखाइए। लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन दबा दीजिए फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग कराइए। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। योर फैंटसीज ब्लेंड विद माइन, तुम्हारी जो फैंटसीज हैं वो मेरे साथ मैच करती हैं। वाह, तुम जो सोचती हो मेरे बारे में या जो भी सोचती हो मैं भी वैसा ही सोचता हूँ, ये आया है। वाह, द वे यू वॉक टॉक स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट, तुम चलती हो, जैसे चलती हो, हंसती हो, मुस्कुराती हो, बातें करती हो या रोती भी हो तो वो मेरे दिल को लुभा लेता है, उससे मेरा दिल पिघल जाता है तुम्हारे लिए। योर यू फाइंड माई वियर्ड हेयर हैबिट्स एडोरेबल, मैं जो अजीबो गरीब हरकतें करता हूँ तुम उसे भी प्यार में, तुम्हें वो भी प्यारी लगती हैं। और देखते हैं क्या प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं आपके पर्सन। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, तुम मुझे बहुत प्यारे प्यारे नाम देती हो, क्यूट क्यूट नाम देती हो। एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा लगता है लव मैसेजेस जब हम देखते हैं ना। हैंड रिटन भी बनाऊंगी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, तुम मुझे मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरह से जानती हो। चलिए एक और ले लेते हैं, आपको और अच्छा लगेगा। You are my best friend and always will be, तुम मेरी best friend हो और हमेशा रहोगी। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए, होप आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन को दबाते हुए जाइए। जो लोग नए आए हैं कृपा करके, मोटिवेशन मिलती है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं क्या कहूँ, पर्सनल रीडिंग करवाइए, बुकिंग करवाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत दिल हल्का महसूस होगा आपको। मैंने चार्जेस कम कर दिए हैं और पर्सनल हीलिंग, पर्सनल काउंसलिंग भी करा सकते हैं। ये ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी आप चार्ज करा के पहनवा सकते हैं मुझसे, लव का धोखा ना मिले, काली नज़र से और काले जादू से बचने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसे के लिए। ओके, ये पहन सकते हैं आप। ब्लैक मैजिक के उपाय पर्सनल रीडिंग के साथ नहीं बताऊँगी, इसके अलग चार्जेस होते हैं फ्रेंड्स। और टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स जिन्हें करना है वो भी बेसिक मुझसे कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित महसूस करेंगे आप, बहुत लाभ मिलेगा इससे। आप अपना और अपने अपनों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है फ्रेंड्स। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। आप अपना कुछ करियर भी बना सकते हैं, चैनल बना सकते हैं यूट्यूब, पर्सनल रीडिंग्स कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं सबसे बड़ी बात। तो पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए और जो भी वीडियोस देखा कीजिए वो स्किप मत किया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मे ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। मैं आप लोगों के लिए प्रेयर्स करती रहती हूँ फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत आपको खुशियाँ मिले। तो चलिए फिर, तब तक के लिए स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। दुआओं में मुझे याद रखिए, मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूंगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।